सब्सक्राइब करें ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। दिन पर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार भारतीय नेता भी कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन दोनों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है और उन लोगों की जानकारी ली जा रही है जो लोग सीधे तौर पर इनके संपर्क में आए थे। इसके साथ ही शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोमवार यानी 24 अगस्त को एक बार फिर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के घर पर तैनात 17 स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन का कोरोना टेस्ट किया गया था जिसके बाद उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। शिबू सोरेन की उम्र 76 साल से अधिक है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद हर कोई दिसम गुरु के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, साथ ही कहा कि कल रात आदरणीय बाबा दिसम गुरु जी और मां की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वे दोनों होम आइसोलेशन में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। देश और झारखंड वासियों की दुआएं के साथ जल्द ही आदरणीय बाबा और मां सभी के बीच होंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा, ईश्वर से विनती है कि हमारे अभिभावक आदरणीय दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी और माता जी को जल्द स्वस्थ करें। पूरे देश और राज्य की जनता का स्नेह और दुआ दोनों के साथ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा, शिबू सोरेन जी और रूपी सोरेन जी की भी कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है, आप दोनों जल्द से जल्द स्वस्थ हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास अलग अलग है, लेकिन एहतियातन सीएम हेमंत सोरेन का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उनका कोरोना टेस्ट सोमवार यानी 24 अगस्त को कराया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है। सोमवार को 3री बार सीएम का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।